मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को ओप्पो A3s वर्सेस रेडमी 5 के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओप्पो A3s में आपको बहुत सारे फीचर और बहुत सारे बेहतरीन चीज़ मिलते हैं और रेडमी 5 में भी आपको बहुत सारे फीचर और रेडमी 5 में भी आपको अच्छा बैटरी बैकअप भी मिलता है। ओप्पो में आपको 3 GB रैम मिलता है और रेडमी 5 में भी आपको 3 GB रैम मिलता है। बात किया जाए इंच का तो आपको ओप्पो A3s में 6.2 इंच मिलता है और रेडमी 5 में आपको 5.7 इंच मिलता है। जैसे कि आपका मोबाइल ओप्पो A3s बड़ा है रेडमी 5a से, और ओप्पो A3s का एंड्रॉयड वर्जन मिलता है ओरियो और रेडमी 5 का मिलता है नोगाव। आप दोनों सोचते होंगे कि ये बहुत अच्छा फ़ोन है, ओप्पो बहुत अच्छा फ़ोन है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा और देखते रहिए। और स्नैपड्रैगन मिलता है 450 ऑक्टा कोर ओप्पो में और रेडमी 5 में भी आपको यही सेम मिलता है दोनों। और इसमें ओप्पो में आपको डुअल सिम लगाने के लिए मिलता है और रेडमी 5 में आपको सिंगल सिम मिलता है। और यही बैटरी बैकअप की बात की जाए तो 4320 mAh का आपको ओप्पो में बैटरी मिलता है और यही रेडमी 5 में आपको 3200 का बैटरी बैकअप मिलता है। यही फ्रंट कैमरा की बात करें तो ओप्पो में 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है और रेडमी 5 में आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। और यही डिस्प्ले का बात की जाए तो दोनों का डिस्प्ले सेम है, दोनों को डिस्प्ले HD मिलता है। ओप्पो A3s में भी HD मिलता है और आपका रेडमी 5 में भी HD मिलता है। और बात की जाए फ्रंट फेस लाइट की तो आपको रेडमी 5 में मिलता है और ओप्पो में नहीं मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये दोनों में से बेस्ट फ़ोन है मेरे हिसाब से रेडमी 5, क्योंकि आपको 9000 में रेडमी 5 मिलता है और आपको 13000 में ओप्पो A3s मिलता है, बल्कि दोनों को 3 GB रैम मिलता है। स्नैपड्रैगन भी सेम, डुअल कैमरा ले के क्या करोगे यार, जब हर चीज़ एक ही प्राइस में आपको फ़ोन चलाने से मतलब है। फ़ोन भी देखने में भी पतला लगता है और मस्त है लुकिंग, आपको जो अच्छा लगता है लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से रेडमी 5 बेस्ट।